विभाग विनोद में आपका स्वागत है। मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ आज की एक महत्वपूर्ण घटना पर अपने विचार शेयर करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ घंटों में सारे खबरिया चैनलों पर कुछ अपवाद छोड़ दे तो प्रमुखता से बिहार पर बहस हो रही है, बिहार पर नहीं जंगल राज पर बहस हो रही है, बिहार अर्थात जंगल राज इस पर बहस हो रही है। बताया जा रहा है बिहार कितना निकृष्ट है, वहां कानून व्यवस्था नहीं है, वहां जंगल राज कायम हुआ। कब कायम हुआ? जैसे ही नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, पुनः मुख्यमंत्री बने, अचानक कुछ घंटों के अंदर ही सुशासन बाबू का बिहार जंगल राज में परिवर्तित हो गया। कुछ घंटों के अंदर, पहले सब ठीक था। ऐसा क्यों होता है? कोई किस बिहार की बात करते हैं, किस बिहार को हम जंगल राज करते हैं? भगवान बुद्ध और महावीर की जन्मभूमि जंगल राज हो गया। महात्मा गांधी बिहार से महात्मा बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का है बिहार का। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, उसे गति मिली और सफलता मिली बिहार में शुरुआत करने के बाद, वो बिहार की भूमि। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, अस्वस्थता के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जिस संविधान सभा ने संविधान दिया देश को, गीता की तरह पवित्र संविधान है वो बिहार। देश को प्रथम राष्ट्रपति जिस बिहार ने दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, वो बिहार। वो बिहार अचानक जंगल राज में कैसे परिवर्तित होता है, इस पर एक शोध की आवश्यकता है। इसमें महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका अदा करनी होगी मीडिया को। आप शोध करें, आप अध्ययन करें, मैंने कुछ जो बातें बताई बिहार में क्या होता है, क्योंकि भारत सरकार के जो सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार अपराध के मामलों में अगर उन आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार से ऊपर अनेक कई राज्य हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है, चर्चा हो जाती है बिहार की। एक निशाने पर बिहार को बार बार क्यों लिया जाता है? अभी नीतीश कुमार, उनकी एक साफ सुथरी छवि है, सुशासन बाबू के रूप में उनकी एक पहचान है, एक ईमानदार राजनीतिक ऐसा है जो अनुकरणीय है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए इसलिए फिर से जंगल राज आ गया। यह जैसे मैंने कहा शोध करना आवश्यक है, यह एक कहीं साजिश के तहत बिहार को बदनाम करने के का कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है? इस पर शोध करने की आवश्यकता है। मैं बता रहा हूं बिहार जैसे मैंने कहा अनेक मामलों में सर्वप्रथम रहा है, विश्व को सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में बिहार ने दिया था, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आ गया था, पूरे संसार का मार्गदर्शन किया। आज भारत का, भारत सरकार का जो मान्य आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो कहां से आया? बिहार से। सम्राट अशोक का मगध सम्राट इतिहास में दर्ज है। इतनी सारी खूबियों, उपलब्धियों और योगदान के बावजूद अगर बिहार को जंगल राज कहा जाता है तो क्यों? यह ठीक है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में बिहार काफी पीछे है, लेकिन जैसे मैंने कहा सबों से पीछे नहीं है, अनेक राज्य उससे ज्यादा पीछे है, लेकिन बिहार को एक नकारात्मक रूप में पेश कर पूरे संसार के सामने उसे ऐसा निकृष्ट राज्य
बताने की कोशिश की जाती है ताकि बिहार के नाम से लोग सहम जाए, डर जाए, भयभीत हो जाए। क्यों? इस पर न केवल शोध हो बल्कि बिहार वासियों को और जो तटस्थ प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, जो निष्पक्षता पूर्वक सत्य को चिन्हित कर इतिहास में दर्ज होता है, उनका दायित्व है कि बिहार के सच को सामने लाए। मैंने जैसे कहा कि हालिया जब जो पिछले दो दिनों में जो घटनाएं हुई नीतीश कुमार के आने के बाद शुरू हुआ, अब सारे इसमें जो मैंने कहा कि मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग कुछ अपवाद छोड़ दे लगभग सारे खबरिया चैनल बिहार के ऊपर आक्रामक उठे, एक से एक घटनाओं की चर्चा हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, छीना झपटी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, ये बता रहे हैं। लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि भाजपा के एक कद्दावर बड़े नेता शहनवाज हुसैन, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के ही हैं वो, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा और विगत कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज किया जाए। ये कल विगत कल की घटना है, हालांकि घटना पहले की है, लेकिन जब वो पीड़िता थाने में गई थी, छतरपुर थाने की घटना है, तो वहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। अंत में वो अनेक कोर्टों को सिलेक्ट थे, हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए जौन उत्पीड़न के मामले में। खबरिया चैनलों ने, कितने खबरिया चैनलों में कितनी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लेकिन चूंकि वो भाजपा के नेता है और अभी नीतीश कुमार भाजपा छोड़ करके आए हैं, वो निकृष्ट हो गए, जंगल राज के मुखिया बन गए, इसलिए अगर साथ साथ शहनवाज हुसैन की घटना को ये खबरिया चैनल दिखाते हैं तो लोग उस पर विचार करते कि हाँ, ये अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होते हैं, दुष्कर्मी दुष्कर्मी होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनकी कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन ऐसा खबरिया चैनल हो गया। अभी कल देखा मैंने एक खबरिया चैनल पर एक महिला एंकर चेहरे पर पीड़ा का भाव लेकर बोलती कि मैं भी बिहार की हूं लेकिन मुझे शर्म आता है। काहे को शर्म आता है? अरे गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, हम उस बिहार के वासी हैं जहां से जयप्रकाश नारायण अपने आंदोलन के द्वारा कहा था कि पूरे देश को दूसरी आजादी दी थी, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर संविधान प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया था, अनेक प्रतिबंध लग गए थे, बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी, उसके खिलाफ आंदोलन करके देश को दूसरी आजादी दिलाने के जयप्रकाश नारायण ने उसी बिहार की भूमि से। और यह कहना गलत नहीं होगा, और मैं बता दूं इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, सच्चाई यह है कि महात्मा गांधी बने जब वो चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, वहां से महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में फैला, और महात्मा गांधी मैंने जैसे कहा, स्पर्श किया, आचार्य विनोबा भावे उन्होंने अद्वितीय भूदान आंदोलन की शुरुआत की, कई राज्यों में कोशिश की, विफल रहे, और जब वो बिहार पहुंचे और वहां जो उन्हें भूदान आंदोलन में लोगों ने भूदान करना शुरू किया, अचंभित रह गए, चकित रह गए, भूदान आंदोलन की सफलता भी उसी बिहार से मिली थी। आज अगर राजनीतिक कारणों से उसे बदनाम किया जाता तो ये समझ ले वो मीडिया कर्मी, वो महिला एंकर जो कह रही है कि मैं भी बिहार के लोग, मुझे शर्म आता है, ऐसे तत्व बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार को गलत वाले में रखते हैं। अरे आप गर्व से कहिए, हाँ सच सच है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके कारणों को ढूंढिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, अगर अपराध के मामले में बिहार पीछे है, आगे है बल्कि,
तो उन कारणों को ढूंढिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ऐसे स्थिति न बने जहां यह कहा जाए कि हमें बिहारी, खुद को बिहारी करने में शर्म आती है। स्थिति ऐसे बनाए कि खुद को सगर्व कोई कह सके, हाँ हम बिहारी हैं, वो बिहार है, बिहार की भूमि है, आंदोलनों की उर्वरा भूमि कही जाती है। जैसे मैंने बताया कि पूरे देश को, चाहे स्वतंत्र आंदोलन हो, चाहे पाद के आंदोलन हो, या भूदान आंदोलन, सभी आंदोलनों की सफलता बिहार से। ऐसे बिहार को निकृष्ट बताने वाले लोग सच पूछिए तो इतिहास में हाशिए पर रखे जाएंगे। वे स्वयं उनके निकृष्ट मानती मानसिकता है जिसके वशीभूत राजनीतिक कारणों से या निजी प्रतिगत स्वार्थी कारणों से बिहार को बदनाम करते हैं। होना तो यह चाहिए कि ऐसे तत्वों का बिहार वासी सामाजिक बहिष्कार करें। कानूनी रूप से आप कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है, ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार बिहारवासी करें, ताकि उनको सीख मिले और तब विरासत पाएगी। मैं यहां कतई नहीं कहता कि बिहार में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, चाहे अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसे आप जरूर दिखाइए, जरूर उभारिए। इन बातों को सामने लाने का लाभ होता है, ताकि उसके निराकरण के उपाय ढूंढे जाए, सत्ता उस पर सावधान हो जाए, जनता सतर्क हो जाए, ताकि इन सब बातों, ये सब जो दुर्विसंधियां हैं, ये दुर्सिखा, इन सब बातों के उपाय ढूंढे जाए, इनके निराकरण के उपाय ढूंढे जाए, न कि नकारात्मक रूप में इसे पेश करके एक अच्छे राज्य को बदनाम करने की कोशिश किया जाए राजनीतिक कारणों से। ताजा घटनाक्रम में जिस प्रकार नीतीश कुमार पर आक्रमण हो रहे हैं, वह विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। जैसे मैंने कहा, कुछ घंटों में जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार के मुखिया थे, वो ठीक था, बहुत अच्छा बिहार था, और जहां वो लालू यादव के राजद के साथ गए, तत्काल वो बिहार जंगल राज में परिवर्तित हो गया, तत्काल कुछ घंटों के अंदर। यहां भी मीडिया या बुद्धिजीवी वर्ग, जो कुछ एक वर्ग है जो बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, आप क्षमा करेंगे, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव को भी मीडिया ने या उस वर्ग ने न्याय नहीं दिया, उनके साथ भी राजनीति की गई। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए वो पिछड़े समाज से आते हैं? अपने अंतःकरण को टटोले यह वर्ग, तो पता चलेगा कि हां यही कारण है। अन्यथा लालू प्रसाद यादव जब पहली बार 90 के दशक में मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, मुझे याद है उस दिन जिस दिन निर्णय हुआ था, मैं पटना में मौजूद था। शाम को जब ये खबर बाहर आई, उस समय तो टेलीविजन वो नहीं थे, शाम को 7 बजे समय है, आकाशवाणी से खबरें आती थी कि लालू प्रसाद यादव नेता चुनने मुख्यमंत्री होते, ये सही है कि पटना की सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। ये क्या तत्काल प्रतिक्रिया यही थी कि लालू यादव मुख्यमंत्री? लोगों में बहुत सारी आशंकाएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ बाद, कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने जो कदम उठाने शुरू किए, जो निर्णय लिए, उसकी व्यापक चर्चा मीडिया ने नहीं की। वो क्रांतिकारी कदम थे, मैं तो यहां तक कहता हूं। एक उदाहरण, उन्होंने एक चरवाहा विद्यालय की कल्पना करो, सलाम किया चरवाहा विद्यालय, क्या मजाक उड़ाया गया था उस समय भी, मीडिया नहीं था, प्रेस था, विशेषकर अंग्रेजी प्रेस में, अखबारों में चरवाहा विद्यालय का मजाक उड़ाया गया। क्या योजना थी? बिहार के गांवों में स्कूल नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, वो गाय बैल के हंकने से उनके पीछे दौड़ा करते थे। लालू यादव ने यह अनिवार्य रूप से किया कि हर गांव में स्कूल हो, खोले जाए, तत्काल खुलवाए, जहां भवन कोई नहीं है, किराए पर भी नहीं मिल रहा है, वहां पेड़ के नीचे शिक्षक जाए, बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई थी कि प्रत्येक हाजिरी 1 रुपया नगद उन बच्चों को दिया जाता था। बच्चे न आते, बहुत होता, महीने के 30 रुपए हो गए,
और किताब कॉपी वो मुफ्त, यूनिफॉर्म पहनावा वो मुफ्त, दूध मुफ्त, भोजन मुफ्त, ये सब लालू यादव ने करवाए। निजाम की क्रांति आई देहातों में शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे जो चरवाहा की भूमिका पर थे, गाय बैल के पीछे भागते फिरते थे, वो स्कूल में आके पढ़ने लगे, शिक्षित होने लगे। यह क्रांति थी। क्षमा करेंगे अगर यह काम किसी अन्य राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने किया होता है तो उन्हें भारत रत्न से नवाजने की सिफारिश की जाती, लेकिन नहीं, यहां चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम का मजाक उड़ाया गया। ऐसे अनेक ऐसे कदम लालू यादव ने उठाए शिक्षा के क्षेत्र में। मैं बता दूं, वहां की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो एकेडमिक ईयर दो दो तीन तीन साल विलंब से चल रहे थे, 2022 में जिसे स्नातक बनना था वो 23, 24, 25 में बनता, दो दो तीन तीन साल वो विलंब चलते, उसे पहले ही साल लालू यादव ने नियमित किया और समय पर परीक्षाएं होने लगी, समय पर रिजल्ट आने लगे। क्या यह जंगल राज में संभव होता? यह एक सुशासन था जिसे बिहार को, देश को पेश किया लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन राजनीतिक कारणों से जातीय आधार पर विभाजित बिहार में कुछ इस तरह से हो जाए, ऐसी क्रांति हो, यह उस समय के उस प्रेस को, अंग्रेजी प्रेस को मंजूर नहीं था। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, बिहार की अच्छी छवि को दागदार बनाने की कोशिश की गई, बिहार के अच्छे कामों को निकृष्ट बताने की कोशिश की गई। और उस समय ये जो शब्द है दोस्तों, जंगल राज की उत्पत्ति हुई। ये मीडिया की देन है, ये प्रेस की देन है जो जंगल राज दिया। उनसे मेरा आग्रह है कि जरा अकेले में शांति से अपने हृदय को टटोले कि क्या उन्होंने न्याय किया, क्या उन्होंने अपने पेशे के साथ न्याय किया, क्या उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व के साथ न्याय किया, नहीं, अन्याय किया, पूरे बिहार के साथ रहे। इसलिए आज जो तबका बिहार को जंगल राज बता रहा है, उनसे पुनः आग्रह है कि पहले सच्चाई की खोज करें, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता पूर्वक, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार के साथ कितना अन्याय हुआ।